हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं झटपट बनने वाली नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम कम मेहनत और कम सामान में आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कप गेहूँ का आटा ले लेना है हमें। ये लगभग 250 ग्राम है। आप चाहें तो इसमें आधा मैदा भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आज मैंने गेहूँ के आटे से ही बनाया है। यहाँ पे देखिए, आधा चम्मच मंगराई ले लेना है। साथ ही हम डाल देंगे अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमें डाल देना है फ्रेंड स्वाद अनुसार नमक, तो ज़्यादा नमक का यूज़ मत कीजिएगा, कम ही नमक डालना है हमें। अब 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा खस्ता बनेगा फ्रेंड्स। तो कम सामान में बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैंने कैसे बनाया है इसे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसका हमें आटा गूंथ लेना है। तो ज़्यादा डो हार्ड नहीं होना चाहिए फ्रेंड, नरम होना चाहिए, जैसा हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह। अच्छे से देखिए, इस तरह डो तैयार कर लीजिएगा आप। अच्छे से मैश कर करके इसे डो तैयार करना है फ्रेंड, ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसे ढककर हमें 15 मिनट के लिए रख देना है साइड में। तो चलिए अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिया है, इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं फ्रेंड। तो याद रखिए फ्रेंड, इसका फाइन पाउडर चाहिए। अगर आपके पास ग्रेटर ना हो तो आप हाथों से मैश कर सकते हैं, लेकिन बारीक पेस्ट चाहिए इसका। यहाँ पे देखिए, अच्छे से पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है 1/2 चम्मच। साथ ही हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, क्योंकि नमक मैंने पहले यूज़ किया था फ्रेंड उसमें, तो इसमें थोड़ा भी डालना है। यहाँ पर देखिए, 1 चम्मच हमें डालना है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा ले लीजिएगा। अब इसमें हमें देखिए फिर 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देना है। आप फ्रेंड चाहे तो गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और चटपटा बनाना हो तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना है फ्रेंड तो डाल सकते हैं। अब अच्छे से इसे मैश कर लेना है। इतने में ही बहुत ही अच्छा चटपटा नाश्ता हमारा तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो कम सामान में आप आसानी से बना सकते हैं इसे। अच्छे से देखिए, इसे मिक्स कर लेना है हमें। तो हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है फ्रेंड। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आटे को 15 मिनट के अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे को 2 भागों में तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसका लोइया बना लेते हैं। अब आटा में लपेट कर फिर इसे चलिए हम बेलन से बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे अच्छे से रोटी की तरह हमें बेल लेना है। तो मैंने फ्रेंड 2 भागों में बनाया है। बड़ी रोटी में आपको अच्छे से बेल लेना है, तो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी तरह होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए, अच्छे से मैंने बेल के तैयार कर लिया है इसे। अब इसे ऊपर हम जो पेस्ट बनाए थे वो लगा देते हैं। अच्छे से चारों साइड फ्रेंड पतले लेयर में फैला लेना है हमें। इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो देखिए, अच्छे से इसे फैला लीजिए चम्मच सहायता से। आप चाहे तो हाथों की सहायता से भी फैला सकते हैं इसे। इसी तरह देखिए, अच्छे से आपको फैला लेना है फ्रेंड्स। अब फैलाने के बाद फ्रेंड साइड साइड का हम काट लेंगे। इसे स्क्वायर शेप में काट लेते हैं पहले, तो साइड साइड का हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसी तरह हमने अच्छे से सबको काट लिया है। अब इसे अपने साइज के हिसाब से जैसा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। तो देखिए, इसे 4 भाग में मैंने काट लिया है, इधर से 3 भाग में ऐसे काटने के बाद फ्रेंड अब देखिए, इसे हम रोल करते हैं। तो देखिए, एक कोना लेके आप इसे साइड से मोड़ते रहिए, ऑटोमेटिक ये बनके तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं फ्रेंड। तो इसी तरह आपको बना के रेडी करना है। आप चाहें तो इसे छोटा भी बना सकते हैं, तो मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसी तरह हम बना कर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा फ्रेंड। तो नए डिज़ाइन का फ्रेंड आप आसानी से इस तरह बनाइए फ्रेंड। बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं, आप टिफ़िन में इसे आसानी से दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, इसी तरह हमें सबको तैयार कर लेना है फ्रेंड। तो लीजिए, हमने सबको तैयार करके रख लिया है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने छोटे छोटे भागों में काट कर इसे अच्छे से लपेट लिया है। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है और बहुत ही टेस्टी नज़र आता है फ्रेंड। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका लुक है।
आप इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर यकीन माने आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल फ्रेंड मैंने पहले से रख दिया था, चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। दे सकते हैं हमारा तेल किस तरह का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म नहीं होना चाहिए फ्रेंड। तो मीडियम फ्लेम पे आप अच्छे से इसे कुक कर लीजिएगा ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो सके। तो दे सकते हैं इसी तरह अच्छे से डाल दीजिएगा। अब एक साइड इसे कम से कम एक मिनट के लिए रहने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके अलटते पलटते रहिए। तो इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो दे सकते हैं फ्रेंड इसी तरह आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड, दे सकते हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं। इसी तरह मैं सबको बना लेती हूँ फ्रेंड्स। लीजिए हमारा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है फ्रेंड, दे सकते हैं कितने टेस्टी और कितने क्रंची बने हैं। आप एक बार इस तरह जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीन मानिए काफ़ी पसंद आएगा। तो जब भी छोटी मोटी भूख हो फ्रेंड, नए तरीके से आपको बनाना हो, तो इस तरह एक बार बनाइए, इन्जॉय कीजिए फ्रेंड, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।